शिमला के रिज मैदान पर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। रिज मैदान पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सांसद प्रतिभा सिंह और अन्य मंत्रिमंडल सदस्यों समेत कई गणमान्यों ने राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को अहिंसा का मार्ग दिखाया और देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि देश को अहिंसा का मार्ग दिखाकर महात्मा गांधी ने एकजुटता की प्रेरणा दी है। मैं समझता हूं कि आज पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है उनके लिए। उन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए जो अपनी भूमिका निभाई, उससे पूरा देश एक बात मान करके चला कि अहिंसा के आधार पर हम बापू के साथ हैं और इस देश को आजाद कराने के लिए कृत संकल्प है। वहीं सांसद प्रतिभा सिंह ने राष्ट्रपिता को याद करते हुए कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए और देश प्रदेश के विकास में एकजुट होकर प्रयास करने चाहिए। महात्मा गांधी को हम सभी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने आए हैं। हमने उनसे यही प्रार्थना की है कि वो दिव्य आत्मा हम सबको आगे बढ़ने का की प्रेरणा देते रहें और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ते जाएं। ऐसी हम उनसे भी, उस आत्मा से भी प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि सबको साथ चलने की और एक रहने की हमें प्रेरणा दे, ताकि हम देश का और प्रदेश का विकास कर सकें।